विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। भारत के अब भूखे शेर टीम इंडिया को दिलाएंगे वर्ल्ड कप का खिताब। जी हां दोस्तों, आखिरकार वनडे विश्व कप 2023 के लिए कैसी है टीम इंडिया की स्क्वाड और मिला है इस स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी कर रहे हैं इस वनडे विश्व कप का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वनडे विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारत ने 15 खिलाड़ियों को 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट के लिए चुना है। बड़ी खबर यह है कि संजू सैमसंग, प्रसिद्ध कृष्णा और तिलक वर्मा को वनडे वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर रखा गया है। ये तीनों ही खिलाड़ी एशिया कप खेल रही टीम इंडिया में शामिल थे। संजू सैमसंग एशिया कप में बैकअप प्लेयर के तौर पर चुने गए थे। इन तीन खिलाड़ियों के अलावा वनडे वर्ल्ड कप की टीम से युजवेंद्र चहल को भी बाहर रखा गया है। यानी कुल मिलाकर ये चार खिलाड़ी वनडे विश्व कप से बाहर चल रहे हैं। आपको बता दें कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि युजवेंद्र चहल को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है, लेकिन सेलेक्टर्स ने युजवेंद्र चहल को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि वनडे विश्व कप 2023 के लिए कैसी है टीम इंडिया की स्क्वाड। रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जबकि हार्दिक पांड्या को वनडे विश्व कप के लिए टीम इंडिया की उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा इस स्क्वाड में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। तो दोस्तों ये हैं वो खिलाड़ी जो वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। दोस्तों आपके मुताबिक इस स्क्वाड में और कौन से बड़े बदलाव होने चाहिए थे, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।